सर बहुत बहुत शुक्रिया, और खुशियाँ बांटेंगे और खुशियाँ घरों तक ले जाएंगे। ये सफर जारी है, 24 आवर्स का सैटेलाइट चैनल है। ऐसी क्लिप्स देखेंगे, कुछ ऐसी नायाब क्लिप्स देखेंगे। शानदार शुरुआत हुई। अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि नया चैनल चैनल कशीर का सोलह नसल का फैल मंच प्रदान कर रहा है बच्चों को सपने देखने आजी और तकियाती मंजरनामे से मुतालिक तजिये पर मबनी प्रोग्राम हालात हाजरा लोकप्रियता की लहरों पर ऊंची उड़ान भर रहा है। और इसका जो दूसरा अहम किरदार है वो है इल्मों कश्मीर वासियों के लिए, इस रियासत के आवाम के लिए, और सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक विधिवत विमोचन और उसकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम। काफी अरसे से ये महसूस हो रहा था कि खास तौर से जो सरहदी इलाके हैं इस रियासत के, जो कि मेरे चुनावी हलके का भी काफ़ी हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, वहाँ पर, और चूँकि माली हालत भी उस तरह की नहीं रहती जैसे कि शहरों और कस्बों में, तो महसूस किया जा सकता था कि वहाँ पे ना वहाँ मोबाइल का सिग्नल था है, ना इंटरनेट, ना टेलीविज़न, और जो सिग्नल भी चलते हैं तो वो ऐसे के जो शायद मुनासिब ना हो। 15 को होता है तो 6-15 को होगा और ये भी आज शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ जिन कलाकारों ने ये गली गली सिम सिम कार्यक्रम की झलक दिखाई उनके लिए भी जोरदार तालियां। अगला नाम नूर मोहम्मद साहब बारामूला से हैं। यहाँ मुझे किसी ने बताया जब मैं शुरू शुरू में आया था कि कश्मीर में अफवाहें खबर होती, यहाँ इतनी अफवाहें चलती हैं कि 3 दिन लगते हैं उसको खत्म करने में और खबर बन जाती है। तो एक क्रेडिबल, यकीन के लायक और दूर तक फैलने वाली खबर देने का एक रास्ता होना चाहिए था, वो आपने किया। और खास तौर से जो पार के नजदीक है, बॉर्डर के नजदीक लोग हैं, उनकी तो बड़ी दिक्कत है, उनको वो सब सुनना पड़ता है जो नहीं सुनना चाहिए। कहीं कहीं उनके टॉवर्स मजबूत हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। मैंने एक जानने वाले से पूछा, मैं बहुत बॉर्डर के इलाकों में गया हूँ, एक बार मेरे इमरजेंसी में वारंट थे जावड़ेकर जी, मैं और आरिफ मोहम्मद खान पूंछ राजौरी इधर रणवीर सिंहपुरा सब जगह बॉर्डर पे घूमे, क्योंकि जम्मू में पकड़े जाने का खतरा था। तो उस वक्त भी वो लोग वहां का बहुत सुनते थे, हमने पूछा कि क्यों सुनते हो आप, और कई बार यकीन भी करते होंगे। तो उसने एक वकील था, उसने बहुत बढ़िया शेर कहा कि वो झूठ बोल रहा था बड़े करीने से, वो झूठ बोल रहा था बड़े करीने से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो बात से जो करीने से झूठ बोला जाता है, मैं सुप्रिया जी से कहूंगा कि हम करीने से सच बोलें और अपने लोगों को सच बताएं और उनको खबरें दें कि ये। दूसरी बात आती है मनोरंजन की। जावड़ेकर जी ने सच कहा कि पेट भरने, खाना खाने, इसके बाद उसको मनोरंजन की जरूरत पड़ती है। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि कश्मीर में 6 बजे के बाद करने के लिए कुछ होता नहीं। दसियों साल से सिनेमा घर बंद हैं, कॉफी हाउस आप एक बनाने चलिए तो आपको 4 बरस उसका लाइसेंस लेने में लग जाएंगे। कोई जगह नहीं है जहां लोग जा सकते हैं। और यहाँ के इतने जिंदा दिल, इतने अच्छे लोग हैं कि छुट्टी के दिन आप उनको देखिए, कुछ उनके पास नहीं तो आपको मैदानों में खाना लेके बैठे हुए मिलेंगे, पार्क में मिलेंगे। तो उनको कुछ हम दे नहीं पाए, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिनेमाघर होता है जिसमें 4-5 सिनेमा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैं मल्टीप्लेक्स, एक हमारे मित्र हैं उन्होंने बनाने की ठानी है, मुझे लगता है कि वो बन जाएगा। हमारे गांवों में तो बहुत मनोरंजन के साथ, मैं तो गांव में पड़ा हूँ, कहीं आला है, कहीं रागनी है, कहीं सांग है, कहीं कुछ है,
लेकिन शहरों में दिक्कत होती है क्योंकि शहरों में ऐसा कुछ होता नहीं, उनको मनोरंजन के लिए टीवी रेडियो इसी पे निर्भर करना पड़ता है। और दीदी कशीर ने इस काम को बहुत दूर तक, हम तो उसको वापस लाना चाहते हैं, बहुत सारी सेंटर में उसके बारे में सोचा जा रहा है कि क्या स्कीम हो जिससे वापस आए, लेकिन ये जरूर है कि जब गोली चलेगी सामने से तो उसमें गुलदस्ता नहीं दिया जाता, गोली के बदले में तो जनरल साहब गोली देंगे। तो कुल मिला के यहाँ एक नेक नियति के साथ अगर हम लोग काम करें तो ये जो आजकल बच्चों को बहकाया जा रहा है कि मर जाओगे तो जन्नत मिलेगी, इनके पास तो दो जन्नत है, एक तो ये है जिसको जहांगीर ने घोड़े से उतर के कहा था कि जन्नत कहीं है तो यही है, और एक जन्नत अगर वो अच्छे मुसलमान के तौर पे रहेंगे तो बाद वाली भी मिलेगी, अभी की तो कोई गारंटी नहीं है लेकिन इन दो की गारंटी है। ये तो है, इसको तो सारी दुनिया मानती है कि जन्नत है, इसको भोगो, इसको बढ़िया बनाओ और ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन स्टेट बन सकता है। झंडा तुम्हारे पास अपना है, संविधान तुम्हारे पास अपना है, मेरी गाड़ी पे जम्मू कश्मीर का झंडा अलग से लगता है राष्ट्रीय ध्वज के साथ। तो थोड़ी सी नेक नियति के साथ हम लोग काम करें और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा सुप्रिया जी। आप यहाँ का जो एक तरह से नैरेटिव जिसको कहते हैं उसको कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई प्रोपेगेंडा करें, लेकिन सच्चाई में लपेट के कुछ चीजें अगर आप कहेंगी तो उसका फायदा होगा, मनोरंजन में लपेट के कुछ चीजें कहेंगी तो उसका फायदा होगा। और मैं तो देखता हूं कि ये धुन यहाँ की है और बनाई है जम्मू के डोगरी के जो वो है संगीतकार, उन्होंने तो यहाँ बहुत आपस आपसी भाईचारा बहुत है, बहुत देर कर दी शर्म आते करिए, क्योंकि कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो यंगर जनरेशन में, उसकी नाराजगी अगर हम दूर कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 22,000 बच्चा पढ़ता है कश्मीर के बाहर, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पे हमने जब एक आध जगह झंझट हुआ, अलीगढ़ में हुआ या कहीं हुआ, हर जगह एक लाइजम ऑफिसर नियुक्त कर दिया कि इस बच्चे को कोई झगड़ा हो तो थाने में इसको ना जाना पड़े, हमारा अफसर जाएगा वो उनकी सुनवाई करेगा। अगर हम इन बच्चों की अच्छे से देखभाल करें, कल मुझे इस बात की खुशी है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने ड्रग्स के खिलाफ बोला, ये बहुत बड़ा मैंने से, यहाँ बच्चों में ड्रग्स बहुत बुरी तरह से फैल रही हैं और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा एजुकेट करने में, समझाने में। जम्मू में भी बहुत बुरा हाल है, पंजाब तो बर्बाद ही हो गया है, तो पॉजिटिव तरीके से ये करिए। और कल्चर आपके पास परोसने के लिए इतना कुछ है कि ये आपकी सारी चैनल्स कामयाब होंगी और पार का झूठ जो है वो लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसको नहीं समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।